हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है सभी लोगों का? सभी लोग ठीक ठाक? बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोगों ने प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ साथ कॉन्सेप्ट क्लासेस भी स्टार्ट करी। जैसा कि कुछ बच्चे बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर कॉन्सेप्ट क्लियर करा दीजिए, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए कुछ मेन जो कॉन्सेप्ट हैं उनकी क्लासेस भी हम लोगों ने लगाई हैं, और वो वीडियोस आई होप कि आप सभी लोगों ने देखे होंगे और आपकी तैयारी में वो काफ़ी हेल्पफुल साबित हो रहे होंगे। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि जैसा हो आप कमेंट करके बताएं, लेकिन बहुत से ऐसे कम बच्चे थे जिन्होंने केवल कमेंट करके अपने रिस्पांस को दिया और उन्होंने बताया कि सर कॉन्सेप्ट क्लास भी अगर आप लगाएंगे तो हमारी क्लास का जो रिवीजन है या जो आप क्वेश्चंस करवा रहे हैं उनका रिवीजन भी हमारा होगा और उसके बाद हमको क्वेश्चंस और अच्छी तरह समझ में आएंगे। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज आपके लिए हम लोग लेकर आए हैं कॉन्सेप्ट क्लास का पार्ट 03, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के वो क्वेश्चंस या वो फार्मूलेज या वो वन लाइनर जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और इनको याद करके आप अपने एग्ज़ाम में मिरर की प्रॉब्लम्स को काफ़ी अच्छी तरीके से बेटा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोगों का टॉपिक क्या रहेगा? कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। और इससे पहला वाला जो वीडियो आया था वो किसका था? प्लेन मिरर, जिसको हम लोगों ने बोला था समतल दर्पण। उम्मीद है कि सभी लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा, लेकिन जिन बच्चों ने वीडियो ना देखा हो तो उस वीडियो को देखें, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, सभी लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, जिसमें आपको रेगुलर लगातार क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो आइए शुरू करते हैं कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर का इम्पॉर्टेंट लेक्चर या इम्पॉर्टेंट क्लास, जो आपकी तैयारी को और भी अच्छी तरीके से कुछ ना कुछ हेल्प करेगी। कॉन्सेप्ट क्लास किसकी? कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, जिसको बोला जाता है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर मीन्स अवतल और उत्तल दर्पण, ठीक है। तो चलिए देखिए, मैंने आपके लिए ड्रॉ किया है। पहला ये जो मिरर है इसका नाम है कॉनकेव मिरर, इसको हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। इसमें आप अगर ध्यान से देखें तो बाहर वाली जो सतह है, आउटर सरफेस, वो कैसी है? पॉलिश्ड सरफेस, इसमें पॉलिश किया गया है। और जो अंदर वाला तल है इसको बोलते हो परावर्तक तल मींस रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक। तो अंदर वाले तल को क्या कर दिया गया है? रिफ्लेक्टिंग। और ये जो मिरर है इसका नाम है कॉन्वेक्स मिरर मींस उत्तल दर्पण, इसमें अंदर वाले तल को क्या किया गया है? पॉलिश्ड। और बाहर वाले तल को क्या बोला गया है? रिफ्लेक्टिंग मींस परावर्तक, ठीक है, जिसको आप लोग चिकना तल भी कहते हो, जिस पर जाकर के लाइट गिरती है, ठीक है। तो जिस गोले से मिरर बना होता है उस गोले का जो सेंटर है केंद्र, उसी को बोला जाता है वक्रता केंद्र। तो अगर आप दोनों फिगर को ध्यान से देखें, कॉनकेव मिरर को पहले आप देखें तो पी को कहते हो दर्पण का ध्रुव मींस पोल ऑफ द मिरर, एफ को कहते हो दर्पण का फोकस बिंदु मींस फोकल पॉइंट ऑफ मिरर, और सी को आप लोगों ने क्या पढ़ा था? वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जिस गोले से इस मिरर को काटा गया है उस गोले का केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र, ठीक है। तो सब लोग ध्यान से पहचान लो, पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये मिरर कौन सा है इसको बोलते हो कॉनकेव मिरर मींस अवतल दर्पण। दूसरी तरफ अगर आप इस मिरर को देखें तो उसका क्या नाम है? कॉन्वेक्स मिरर। इसमें यहां पर ये क्या है? पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पी एफ सी, और यहां पर भी होता है बच्चों पी एफ सी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों में आपको डिफरेंस ऑन में आ रहा है, अवतल दर्पण मींस कॉनकेव मिरर में जो फोकस और वक्रता केंद्र है वो पोल के बाईं ओर है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट फ्रॉम द पोल। और अगर आप कॉन्वेक्स मिरर को ध्यान से देखें तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर अर्थात फोकस और वक्रता केंद्र पोल के दाईं ओर है, क्लियर हो गया। किसी भी मिरर में पी से लेकर के एफ तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी, इसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हो, और पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी को बच्चों क्या बोलते हो? रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको वक्रता त्रिज्या कहते हो, याद आया सभी को? आर को बोलते हो रेडियस ऑफ कर्वेचर मींस वक्रता त्रिज्या, और एफ को क्या बोलते हो? फोकस दूरी मींस फोकल लेंथ, क्लियर। इसी प्रकार कॉन्वेक्स में देखें पी से लेकर के एफ तक की दूरी को आप क्या बोलते हो? फोकल लेंथ मींस फोकस दूरी, और फिर यहां से लेकर के सी तक की दूरी को क्या बोलते हो? रेडियस ऑफ कर्वेचर मींस वक्रता त्रिज्या, क्लियर। तो यहां पर ये स्मॉल एफ और कैपिटल आर, और यहां पर ये स्मॉल एफ और कैपिटल आर, दोनों में अंतर क्या है?
कॉनकेव मिरर में फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर पोल के बाई ओर है और कॉन्वेक्स में फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर पोल के दाई ओर है। बच्चों मिरर को समझने के लिए, उत्तल और अवतल दर्पणों को समझने के लिए पहले आपको ये छोटी छोटी चीजें बहुत अच्छी तरह आनी चाहिए, तब आप दोनों के न्यूमेरिकल्स और दोनों के क्वेश्चंस को आसानी से लगा सकते हो। ठीक है, जैसे आप लोगों ने पिछले वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में प्लेन मिरर को ध्यान से समझा और उसके सारे पॉइंट्स को क्लियर किया, उसी प्रकार मन लगाकर इसके सब लोग कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को भी समझें और इस पूरे वीडियो में इनकी प्रॉपर्टीज को ध्यान दें और तब आपके लिए न्यूमेरिकल के लिए पूरा टॉपिक अच्छी तरह तैयार हो चुका होगा। ठीक है ना, तो पहला वाला मिरर कौन सा है? कॉनकेव, इसको बोलते हो अवतल, और ये वाला मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स, इसको बोलते हो उत्तल। दोनों में हम लोगों ने क्या पढ़ा? स्मॉल f को फोकस दूरी, r को वक्रता त्रिज्या, यहां पर भी फोकस दूरी और r को वक्रता त्रिज्या, यहां पर f और r p के दाईं ओर और यहां पर f और r p के बाईं ओर होता है। इसमें अंदर वाला तल होता है रिफ्लेक्टिंग, यहां पर बाहर वाला सरफेस क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग। क्लियर, तो अपनी अपनी कॉपी में पहले ड्रॉ कर लें। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, इसको कहते हो अवतल और उत्तल दर्पण। जल्दी से ड्रॉ कर लें कॉपी में। अवतल दर्पण जो कॉनकेव मिरर और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उससे बनने वाले इमेज की डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस, किन किन स्थितियों में कॉनकेव मिरर इमेज को कैसे बनाएगा, उसके लिए इमेज फॉर्मेशन के कुछ नियम होते हैं। तो जिन बच्चों ने ऑफलाइन पढ़ रखा है वो लोग उसको रिवाइज कर लें और जिन बच्चों का ये टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ है वो लोग उसको तैयार कर लें। तो नंबर वन, पहली कंडीशन को ध्यान दें, अगर कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आती है, व्हेन एनी लाइट रे पासेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर, ये सारे कॉनकेव मिरर ही बने, आप देख के पहचान गए होंगे ना, सभी को पहचान में आ गया, किसी को कॉन्वेक्स तो नहीं लग रहा है, ये कॉनकेव। ठीक है ना, इसमें अंदर वाला तल क्या हो? रिफ्लेक्टिंग, वो हमेशा कॉनकेव ही होता है। तो अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से जाती है? फोकस से। याद आया सभी को? पढ़ा भी होगा सभी लोगों ने, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो बेटा वो कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। क्लियर, दूसरा वाला देखें आप, सेकेंड वाला, यहां पर यह नंबर वन, ये नंबर टू है। इसमें क्या हमको समझ में आ रहा है कि अगर कोई लाइट रे कॉनकेव मिरर के फोकस से जाती है, कहां से जाती है? फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, परावर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के क्या होगी? समांतर। पहले वाले का ठीक अपोजिट, पहले वाले में क्या था? लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से गई? फोकस से। दूसरे वाले में लाइट रे क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है और रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के बाद कहां से गुजरती है? परावर्तन के बाद वो दर्पण के फोकस से होकर गुजरती है। क्लियर हो गया। तीसरी वाली सिचुएशन को आप लोग ध्यान दें, अगर कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जाए, कहां से जाए बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र से, तो रिफ्लेक्शन के बाद भी वो कहां से जाती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र से ही जाती है। और चौथी वाली कंडीशन को अगर आप ध्यान दें कि अगर कोई लाइट रे पोल ऑफ द मिरर दर्पण के ध्रुव की ओर जाए तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पोल उसी पोल से ठीक उसी एंगल पर वापस आ जाती है जिस एंगल पर वो आपतित हुई थी, उसी एंगल पर वो परावर्तित होगी। तो इसको बोलते हो चौथा नियम, फोर्थ लॉ ऑफ कॉनकेव मिरर। तो ये अवतल दर्पण के चार नियम होते हैं, इसी प्रकार उत्तल दर्पण के भी चार नियम होते हैं जिनके द्वारा प्रकाश किरण क्या बनाती है? प्रतिबिंब, अर्थात इमेज का फॉर्मेशन करती है। क्लियर हो गया। तो पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, चारों प्रॉपर्टीज को अच्छे बच्चों की तरह कॉपी में नोट डाउन कर लो और जिसके पास लिखा हुआ है वो लोग इनको रिवाइज भी कर लें, नोट कर लें बेटा जल्दी से। ठीक इसी प्रकार बच्चों हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो लाइट रेस की अलग अलग जो सिचुएशंस होती हैं प्रकाश किरणों की उत्तल दर्पण के लिए, उनकी क्या क्या स्थितियां हैं। तो पहली कंडीशन को ध्यान से देखो, अगर कोई प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण के फोकस की ओर आती है, फोकस की ओर आती है, फोकस पे जा तो पाएगी नहीं क्योंकि फोकस कहां है? दर्पण के पीछे। कॉन्वेक्स मिरर में, प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिए, उत्तल दर्पण में यानी कॉन्वेक्स मिरर में फोकस कहां पर होता है? बिहाइंड द मिरर। कहां पर होता है? बिहाइंड द मिरर, दर्पण के पीछे होता है। ठीक है, तो वहां तो लाइट रे को गिरा नहीं सकते हो क्योंकि मिरर के पीछे का भाग है वो। तो देखो ये आभासी कंडीशन है, कैसी? वर्चुअल। तो प्रकाश की किरण जो फोकस की ओर जाती है,
फोकस पर नहीं जाती है, फोकस की ओर जाती है। वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। क्लियर हो गया सभी लोगों को? तो पहली कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी, अगर कोई प्रकाश की किरण दर्पण के फोकस की ओर जाती है, फोकस की ओर जाती है, ध्यान रखिएगा फोकस पर मिलती नहीं है, फोकस की ओर जाती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यानी मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। दूसरी कंडीशन को ध्यान से समझे, नंबर वन, नंबर टू, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। सेंटेंस पे ध्यान दो, शब्दावली पे ध्यान दो, कि जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ऐसा लगेगा लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से आ रही है। देखो मैंने डैश डैश करके मिलाया भी है इसको फोकस पे। थोड़ा सा डायग्राम अगर पहले बना देते हैं तो कुछ टाइम बचत हो जाती है, जिससे अगर एट दैट टाइम अगर डायग्राम को बनाया जाए तो थोड़ी सी टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है, इसलिए मैंने पहले से ही डायग्राम आपको बना के समझा दिया, ठीक है ना? किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, और बाकी सभी लोग ये कमेंट करें, मैं फिर से कह रहा हूं सभी लोग ये कमेंट करो कि कॉन्सेप्ट की क्लास आपको रेगुलर चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आपको लगता हो कि आपको ये कॉन्सेप्ट के रिविजन से कुछ फायदा हो रहा है तो मैं इनका आगे वीडियो बनाऊं, और अगर आपको लगता है केवल प्रैक्टिस क्लास ही मुझको पढ़नी है, केवल क्वेश्चंस को ही लगाना है, तो फिर मैं आगे इनको कंटिन्यू ना करूं, ठीक है ना? तो जैसा हो सब लोग कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को पूरा ध्यान से देखा करें, और जिन बच्चों का पढ़ा हुआ है वो लोग रिवाइज करें, और जिनका नहीं पढ़ा हुआ है वो लोग नोट्स को भी बना लें। क्लियर हो गया? तो पहली दूसरी प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। पहली प्रॉपर्टी क्या थी? लाइट रे अगर फोकस की ओर जाएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल होगी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? लाइट रे अगर पैरेलल आएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से दूर जाएगी, अवे फ्रॉम फोकस। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र की ओर जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वह उसी प्रकार वापस आ जाती है, यानी उसी मार्ग पर लौट आती है जिस मार्ग पर वो पहले आ रही थी। देखो ध्यान से, पहले लाइट रे ऐसे आ रही थी, सेंटर की ओर डैश डैश करके मिला दिया, जा तो पाएगी नहीं, क्योंकि मैंने क्या बोला, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स मिरर में, उत्तल दर्पण में फोकस और वक्रता केंद्र कहां पर होते हैं? मिरर के पीछे, ध्यान रखिएगा। तो लाइट रे वापस यहीं पर चली गई। और अगली कंडीशन और फोर्थ और लास्ट कंडीशन, दिस इज नंबर वन, दिस इज नंबर टू, दिस इज नंबर थर्ड एंड दिस इज नंबर फोर्थ। और चौथी कंडीशन बच्चों क्या कह रही है? अगर कोई लाइट रे पोल की ओर जाती है, कहां पर? पोल की ओर जाती है, ध्रुव की ओर जाती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो उतने ही एंगल पर आ जाती है जितने एंगल पर जाती है। दैट मीन दिस इज द पोल, इसको पोल कहते हो, तो यहां पर ये एंगल कहलाएगा आई और ये एंगल क्या कहलाएगा? आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक को आपतन कोण और दूसरे को परावर्तन कोण के नाम से जाना जाता है। तो सभी को समझ में आ गया, अवतल और उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनाए जाते हैं उनके लिए जो नियम है, अवतल दर्पण के नियम और उत्तल दर्पण के नियम, इनको बोला जाता है कॉनकेव मिरर के रूल और कॉन्वेक्स मिरर के रूल। हर कंपटीशन एग्जाम में कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो उसके लिए कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर आना आपको बहुत जरूरी है, कि इन दोनों में जो इमेज का फॉर्मेशन होता है बेटा वो कैसे होता है। तो मैंने तो अपना काम कर दिया, आपको समझा दिया, अब आपकी बारी है, आप इसको लर्न कर लें, इसको नोट्स बना लें, और जिनका ऑफलाइन में पहले पढ़ा हुआ है वो लोग इसको रिवाइज कर लें, और उसके बाद तब आप लोग क्वेश्चंस को आगे की ओर सॉल्व करेंगे तो आपको और भी चीजें अच्छी तरह समझ में आएंगी। ठीक है बेटा, नोट कर लें जल्दी से। अब बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विभिन्न स्थितियां, जिनका हर एक बच्चे को अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको ये सारे पॉइंट्स लर्न होंगे तो आपके कई सारे बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव आपसे क्लियर होंगे पेपर में, इसलिए सभी को याद होना चाहिए कि कॉनकेव मिरर से बनने वाले जो प्रतिबिंब हैं, जो इमेजेस हैं, उनकी क्या क्या स्थितियां होती हैं और प्रतिबिंब कहां कहां बनता है, उसकी प्रकृति अर्थात नेचर क्या है। ठीक है, तो चलिए एक एक को हम लोग डिस्कस करेंगे ध्यान से। कॉनकेव मिरर मींस अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की स्थितियां, सभी लोग जानते हो कॉनकेव मिरर को। देखिए जो कॉनकेव मिरर होता है, थोड़ा ध्यान देना, अवतल दर्पण उसमें पोल, फोकस और वक्रता केंद्र सी और अनंत, ये सारे बिंदु होते हैं। इन्हीं को आधार मानकर के आप लोग समझोगे प्रतिबिंब की स्थितियां क्या क्या हैं। सबसे पहले अगर कोई वस्तु कहां पर हो? अनंत पर। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, अगर कोई वस्तु अनंत पर हो
तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? देखो ये इनफाइनाइट है, थोड़ा ध्यान से समझना। अगर कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर हो, अनंत पर हो, तो ऐसी कंडीशन में प्रतिबिंब कहां बनेगा, उसकी स्थितियां क्या क्या हैं? तो नंबर वन, प्रतिबिंब बनता कहां पर है? फोकस पर बनेगा। इमेज विल बी फॉर्म्ड एट द फोकस। ध्यान रखना, अगर कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है, अगर कोई वस्तु अनंत पर है, तो प्रतिबिंब बनेगा कहां पर? फोकस पर बनेगा। वस्तु अगर अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहां पर? फोकस पर। उसके बाद यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है। सबको समझ में आ गया? अगर कोई ऑब्जेक्ट इस प्रकार है तो इमेज ऐसे बनेगी उल्टी। दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज द इमेज। तो वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? इन्वर्टेड इमेज। कैसी इमेज? इन्वर्टेड इमेज बनेगी। तो वही आपसे कहा जा रहा है, यह प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है। वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है। वस्तु से उसका साइज क्या होगा? कम। आवर्धन एक से बहुत कम होगा। इट्स मैग्निफिकेशन इज वेरी वेरी लेस देन टू वन। इसका आवर्धन एक से बहुत कम होगा। मॉड ऑफ एम इज वेरी वेरी लेस देन टू वन। और ये आवर्धन होगा कैसा बेटा? निगेटिव। सभी लोग जानते हो उल्टे प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन सदैव क्या होता है? ऋणात्मक। इन्वर्टेड इमेज जो होंगी उसके लिए मैग्निफिकेशन क्या होगा? निगेटिव। सभी को समझ में आ गई पहली कंडीशन? तो अगर कोई ऑब्जेक्ट कहां पर है? इनफाइनाइट पर। तो इमेज कहां पर बनेगी? फोकस पर। कैसी बनेगी? वास्तविक बनेगी, उल्टा और इन्वर्टेड बनेगी। लेकिन उसका साइज क्या होगा? वस्तु से बहुत छोटा। जो भी इमेज फोकस पर बनती है, वेरी वेरी स्मॉलर इन द साइज, वो प्रतिबिंब जो होगा वो आकार में बहुत ही छोटा बनेगा। क्लियर हो गया पहली कंडीशन? चलिए बहुत अच्छी बात। दूसरी कंडीशन, अगर वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, ये इनफाइनाइट है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को अगर इन दोनों के बीच में रखा जाए, ये अनंत है ये सी, अगर वस्तु को अनंत और सी के बीच में, बिल्कुल ध्यान से मन लगा करके इन चीजों को समझें, क्योंकि नहीं तो फिर ये सारी चीजें रटने वाली हो जाएंगी। अगर आप एक बार समझ लोगे तो आपको जल्दी तैयार होगा। अगर ऑब्जेक्ट कहां पर हो? इनफाइनाइट और सी के बीच में, अनंत और सी के बीच में, तो प्रतिबिंब, अभी देखो वस्तु कहां पर थी? अनंत पर। तो प्रतिबिंब कहां बन रहा था? फोकस पर। अब वस्तु को कहां ला रहे हो? अनंत और सी के बीच। तो प्रतिबिंब कहां जाएगा? एफ और सी के बीच। तो देखिए, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होती है, तो प्रतिबिंब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच बनता है। इमेज बनेगी एफ और सी के बीच। यह इमेज रियल, इनवर्टेड एंड स्मॉलर इन साइज, वास्तविक उल्टा और छोटा बनेगा, और इसका मैग्निफिकेशन एक से कम होगा। मॉड ऑफ एम इज लेस देन वन। जितने भी प्रतिबिंब छोटे बनते हैं उनका मैग्निफिकेशन हमेशा एक से कम होता है। बिल्कुल याद कर लो, मॉड ऑफ एम की वैल्यू एक से कम होगी। लेकिन उल्टा प्रतिबिंब है, मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा, और सभी लोग जानते हो जो दूरियां मुख्य अक्ष के प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ली जाती हैं वो माइनस में होंगी। तो आवर्धन होगा कैसा? निगेटिव, दैट मींस ऋणात्मक होगा। क्लियर हो गया? चलिए बहुत अच्छी बात। फिर क्या कह रहा है तीसरा? जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर हो, अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही आ जाए, ठीक, अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, तो बेटा उसकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनता है और यहीं पर बनेगा, लेकिन वास्तविक और उल्टा। क्लियर? पढ़ो, प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनता है, बिल्कुल ठीक है, यहीं पर बनेगा। वास्तविक उल्टा समान आकार का बनता है, बिल्कुल ठीक है, वास्तविक उल्टा सेम साइज का बनेगा। आवर्धन एक के बराबर होता है, मैग्निफिकेशन मॉड ऑफ एम इज इक्वल टू वन। आवर्धन ऋणात्मक होता है, मैग्निफिकेशन विल बी निगेटिव। जो आवर्धन होगा वो कैसा होगा बेटा? निगेटिव होगा, अर्थात ऋणात्मक होगा। ये तो बात बिल्कुल कंफर्म है, जो भी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी उसका मैग्निफिकेशन क्या होगा? निगेटिव। सभी को समझ में आ गया? फोर्थ कंडीशन, अब ऑब्जेक्ट को ले चलते हैं एफ और सी के बीच, यहां पर, ठीक। अगर कोई ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच है, तो प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच बनेगा। प्रतिबिंब कहां बनेगा? सी और इनफाइनाइट के बीच में बनेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट कहां पर है, अगर कोई वस्तु कहां पर है, अगर कोई वस्तु फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच है, एफ और सी के बीच, तो इमेज कहां बनेगी? एफ और वक्रता केंद्र। जो इमेज है वो सी और इनफाइनाइट के बीच में बनेगी। क्लियर? प्रतिबिंब अब भी कैसा होगा? रियल, इनवर्टेड एंड इनलार्ज, वस्तु से बड़ा बनेगा। मैग्निफिकेशन कैसा होगा? एक से ज्यादा होगा, लेकिन होगा कैसा? निगेटिव, और मॉड ऑफ एम की वैल्यू एक से
बड़ी होगी, मॉड ऑफ एम इज ग्रेटर देन वन, क्योंकि अब इमेज का साइज बढ़ रहा है। बेटा हमेशा याद रखना, सी से आगे आने पर प्रतिबिंब का आकार हमेशा बढ़ता है। जैसे ही कोई इमेज सी से पहले खिसकेगी, साइज ऑफ इमेज क्या होगा, बढ़ेगा, मॉड ऑफ एम की वैल्यू एक से ज्यादा। क्लियर हो गया? तो अगर वस्तु कहां पर है, इनफाइनाइट पर, तो इमेज कहां पर है, फोकस पे। अगर ऑब्जेक्ट कहां, इनफाइनाइट और सी के बीच में, तो इमेज कहां, एफ और सी के बीच में। अगर ऑब्जेक्ट कहां, सी पे, तो इमेज भी कहां, सी पर। अगर ऑब्जेक्ट कहां, सी और एफ के बीच, तो इमेज कहां, सी और इनफाइनाइट के बीच। और अगर ऑब्जेक्ट कहां पर, फोकस पर, तो इमेज कहां, इनफाइनाइट पर, जो अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। सभी को समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें, और यह बताएं कि सभी को ये पूरे टॉपिक क्लियर हो गए, पूरे टॉपिक आपको ये सारे समझ में आए कि इमेज फॉर्मेशन के रूल क्या क्या होते हैं। और बाकी लोग जिनका नहीं पढ़ा हुआ है वो कॉपी में इसको नोट डाउन कर लें, और जिसका पढ़ा हुआ है वो लोग इसको रिवाइज कर लें, और ध्यान से रफ कॉपी में इसकी प्रैक्टिस भी कर लें। नोट कर लें बेटा। अगला केस क्या कह रहा है बच्चों, जब वस्तु दर्पण के फोकस पर हो, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर के फोकस पर हो, फोकस सभी लोग पहचान गए हो ना, इसको कहते हो फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, और इधर क्या होता है, इनफाइनाइट। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट कहां पर हो, मिरर के फोकस पर, अगर कोई ऑब्जेक्ट मिरर के फोकस पर हो, तो ऐसी कंडीशन में उसकी इमेज कहां पर बनेगी, इनफाइनाइट पर, ठीक है ना। अभी मैंने आपको रे डायग्राम नहीं बना के दिखाया है किसी भी सिचुएशन का, वो जब डिटेल एक वीडियो में इसका कंप्लीट करूंगा तो मैं आपको रे डायग्राम से ही बता दूंगा। अभी फिलहाल उन चीजों को हम लोग टारगेट कर रहे हैं जो एग्जाम में आपको लर्न करके जानी है, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट कहां पर है, फोकस पर, तो इमेज कहां बनेगी, इनफाइनाइट पर। तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वास्तविक उल्टा और बहुत बड़ा होगा। अनंत पर जो भी प्रतिबिंब बनते हैं इनफाइनाइट पर, उनका साइज बहुत बड़ा होता है। मैग्निफिकेशन कैसा होगा, निगेटिव होगा, आवर्धन ऋणात्मक होता है, और मॉड ऑफ एम की वैल्यू बेटा एक से बड़ी होगी। मॉड ऑफ एम इज वेरी वेरी ग्रेटर देन टू वन, ठीक है। तो इसको सब लोग तैयार कर लेना। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट सिचुएशन, जब वस्तु एफ और पी के बीच बने, इसमें तो इमेज यहां बन रही थी, ठीक, इमेज आई, ये ऑब्जेक्ट है ओ। अब क्या कह रहा है, अगर वस्तु एफ और पी के बीच में हो, अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में हो, ये स्पेशल केस होता है कॉनकेव मिरर का, अगर कोई वस्तु पोल और फोकस के बीच में हो, यहां पर अगर कोई ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में हो, तो उसकी इमेज बनती है बच्चों बिहाइंड द मिरर, दर्पण के पीछे, और वेरी इनलार्ज, बहुत बड़ा प्रतिबिंब और दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, और देख सकते हो मैंने डैश डैश करके बनाया है, यह प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बहुत बड़ा बनेगा। और जो प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर बनते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनते हैं, उनका मैग्निफिकेशन क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसका आवर्धन जो होगा m, वो कैसा होगा, धनात्मक, और जो मॉड ऑफ m की वैल्यू है वो एक से बहुत बड़ी होगी। मॉड ऑफ m इज वेरी वेरी ग्रेटर देन टू वन। क्लियर हो गया सभी लोगों को? तो पूरी बात समझ में आ गई है। ये स्पेशल केस होता है कॉनकेव मिरर का, स्पेशल केस, जहां पर इमेज कहां बनती है, बिहाइंड द मिरर, अर्थात दर्पण के पीछे। तो अपनी अपनी कॉपी में इसको सभी लोग नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये आज का, कॉनकेव मिरर से बनने वाली इमेज की जो सिचुएशंस हैं या इमेज की जो स्थितियां हैं, इन सबको हम लोगों को लर्न करके जानी है एग्जाम में, जिससे कोई भी क्वेश्चन अगर बने तो आप इसको कर सकें। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, और समझ में आ गया हो तो भी कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी बात सब लोग लिखो। कॉपी में एक बार इन सारी चीजों को नोट करके, रिवाइज करके आप इनको करने का प्रयास करो, ठीक है बेटा। तो ये आप लोगों ने आज क्या पढ़ा, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर की सारी कंडीशंस आप लोगों ने पढ़नी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको एक एक पॉइंट आपको लर्न करना है, जब एक एक पॉइंट आप लोग लर्न करोगे तो एग्जाम में काफी अच्छा कर पाओगे। और इन सारी चीजों को लर्न करने का एक ही तरीका है, थोड़ी सी रिटर्न प्रैक्टिस, ओरली अगर आप इनको लर्न करने का प्रयास करोगे तो थोड़ी सी कठिनाई आने वाली है, मैं जानता हूं इस बात को, ठीक है। तो थोड़ा सा घर में रफ कॉपी में लिख करके आप इसको लर्न करो तो आपको और अच्छा पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो पूरे जो कंडीशन, जितनी भी कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी, उसमें एक बात हमको कॉमन समझ में आई कि कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण
वास्तविक उल्टा और छोटा, वास्तविक उल्टा और बराबर आकार का, और आभासी सीधा और वस्तु से बहुत बड़ा। इन तीन कंडीशंस में इसने इमेज को बनाया है। तो कभी कोई ऑब्जेक्टिव आ जाए कि अवतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब है, द इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव मिरर, तो ध्यान रखना यह रियल इमेज भी बनाता है और वर्चुअल इमेज भी बनाता है। वास्तविक प्रतिबिंब भी बनाएगा और उल्टा प्रतिबिंब भी बनाएगा, और अगर आभासी बनाएगा तो सीधा भी बनाएगा। तो ध्यान रखना ये वर्चुअल इमेज भी बनाता है, मींस आभासी, और रियल इमेज भी बनाता है। लेकिन सबसे ज्यादा इसके जो एप्लीकेशंस हैं वो रियल इमेज के लिए, और कुछ ऐसे एप्लीकेशन हैं जो आभासी प्रतिबिंब के लिए होते हैं। जैसा लास्ट वाला केस अभी आप लोगों ने पढ़ा कि इमेज कहां बच्चों बन के आ गई, बिहाइंड द मिरर, दर्पण के पीछे। दिस इज द स्पेशल केस ऑफ कॉनकेव मिरर। इसके बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, सभी लोग जानते हो, जैसे सर्च लाइट में कॉनकेव मिरर लगाया जाता है, फ्लड लाइट में कॉनकेव मिरर लगाया जाता है, सेविंग मिरर्स में जो सामने दुकानों में लगा रहता है वो कॉनकेव यानी अवतल दर्पण ही होता है, गाड़ियों के हेडलैंप में कॉनकेव मिरर लगाया जाता है। तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं जो कॉनकेव मिरर के हैं, और ये एप्लीकेशंस सौर भट्टी में जो सोलर फर्नेस है वहां पर भी कॉनकेव मिरर लगाया जाता है, परावर्तक दूरदर्शी जो होता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, उसका जो अभिदृश्यक है जो वस्तु के सामने होता है जिसको ऑब्जेक्टिव कहते हो, उसमें भी प्यारे बच्चों कौन सा मिरर लगाया जाता है, कॉनकेव मिरर। तो ये सारे एप्लीकेशंस आपको लर्न हो जाएंगे सौर भट्टी में, परावर्तक दूरदर्शी के अभिदृश्यक में, गाड़ियों के हेडलैंप में, फ्लड लाइट में, सर्च लाइट में, टॉर्च में, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जो अगला एप्लीकेशन मैंने बताया था वो एप्लीकेशन कहाँ था, मेडिकल में। जब आप अपने टीथ यानी दांतों को चेक कराने जाते हो तो डॉक्टर जो मिरर लेते हैं वो कौन सा होता है, कॉनकेव। और अगला हमने आपको क्या बताया था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, सेविंग मिरर्स में, यानी जो दाढ़ी बनाने वाले जो दर्पण होते हैं, दाढ़ी को देखने वाले, चेहरे को देखने वाले दुकानों में जो दर्पण लगे होते हैं वो भी कौन से होते हैं, कॉनकेव मिरर। तो बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। कोई भी एग्जाम हो, कंपटीशन का, प्रतियोगी परीक्षाओं का कोई भी एग्जाम हो, ये पूरा टॉपिक उनके लिए है। बहुत अच्छी तरह आप लोग तैयार करें, आप रिवाइज करें और अपने सब्जेक्ट को आप मजबूती प्रदान करें, और जब आप ऐसे चीजों को तैयार कर लोगे तो आपको काफी हद तक सारी चीजें समझ में आएंगी। तो मैंने अपना पूरा प्रयास किया है कि आप इस वीडियो को देख करके ये समझ सकें कि कॉनकेव मिरर क्या है, कॉनकेव मिरर इमेज का फॉर्मेशन कैसे करता है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें जैसा मैं हर बार कहता रहता हूं, और इस वीडियो को उन बच्चों तक भी पहुंचाएं जिनको वास्तविकता में नीड है, पढ़ाई की आवश्यकता है, जिनके पास संसाधन नहीं है, दूर दराज के जो बच्चे हैं, जो जिनके पास इतनी फीस नहीं है कि वो अफोर्ड कर पाए ऑफलाइन कोचिंग को, वहां तक भी आप इस वीडियो को पहुंचाएं, उन बच्चों को भी इस चैनल के बारे में बताएं जिससे वो लोग भी तैयारी करें, आगे बढ़ें, कंपटीशन एग्जाम में सिलेक्शन पाएं और आपकी तरह ही पढ़ाई में होशियार बने और सिलेक्ट होकर के अपने घर वालों का नाम रोशन करें। तो इसी प्रकार आज इसी बात के साथ मैं इस टॉपिक को यहीं से एंड करता हूं। नेक्स्ट वीडियो आएगा कॉन्वेक्स मिरर का, और उसके बाद कॉन्वेक्स और कॉनकेव के जो न्यूमेरिकल्स के फार्मूले हैं वो भी मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, और जो प्रैक्टिस वीडियोस आगे आने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस के, उनको भी आप लोग तैयार करते रहें, और इसी प्रकार रेगुलरिटी के साथ साथ तैयारी करें, मन लगा करके पढ़ाई करें, जितनी ज्यादा हो सके जीतोड़ मेहनत करें, और हो सके तो बारंबार ये प्रयास करें कि मुझको तब तक एक टॉपिक को पढ़ना है जब तक मुझको वो बहुत अच्छी तरह तैयार नहीं हो जाता। ठीक है बेटा, तो आज के टॉपिक को यहीं से एंड करते हैं, उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक में, नए वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।